तो अब हम आर्क कमांड के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आर्क है क्या? तो आर्क कोई सर्कल का ही एक पार्ट है, ठीक है? इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ पेन फाइल पे। सपोज आपके पास कोई एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है? ये सेंटर पॉइंट है और ये, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट सीपी, ये कोई दो पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है? दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज अ एंड पॉइंट। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, ठीक है, तो ये आर्क हो गई। ओके, तो आप देख रहे हो जब इन दोनों पॉइंट को सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करा हमने, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, हमने इन दोनों पॉइंट से कोई इस सेंटर से इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करा, तो ये क्या हो गया? इसका रेडियस, मतलब कि एक कोई सर्कल है, फुल सर्कल है, ठीक है, आपने इसे 45 डिग्री में कट कर दिया है, तो इसकी भी एक रेडियस ही होगी, ठीक है? ये एंड पॉइंट है और ये हमारा, ये स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। इसके बाद सपोज अगर हमें इसकी स्टार्ट पॉइंट से लेके और एंड पॉइंट तक इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेजर करनी है, तो कॉल्ड एज कोडल लेंथ। ये क्या होगी हमारी? कोडल लेंथ। ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, इसको हम जब मेजर करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? कोडल लेंथ। मान लो आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, आपने एक आर्क जो है वो इस डायरेक्शन में क्रिएट करी, ठीक है? ये हो गया एस पॉइंट इसका और ये हो गया एंड पॉइंट इसका, स्टार्ट पॉइंट, और एक जो डायरेक्शन है आपकी इस तरफ रही, तो इस डायरेक्शन वाले के लिए स्टार्ट पॉइंट ये था और एंड पॉइंट ये था, तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? इसका सेंटर पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे बेसिकली आप देख लीजिए, ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है? तो इसका सेंटर पॉइंट इस साइड में आएगा, ओके, और इसका सेंटर पॉइंट इस साइड में, ठीक है? तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये क्या हो गई हमारी? कोडल लेंथ। तो क्रिएट अ बोथ डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन में भी क्रिएट कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी, मतलब कि इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। आपका या तो स्टार्ट पॉइंट यहां से एंड पॉइंट ये हो सकता है, या एंड पॉइंट यहां से, स्टार्ट पॉइंट यहां से और एंड पॉइंट ये भी हो सकता है, ठीक है? आर्क का बेसिकली किसी भी पॉइंट से डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारा स्टार्ट पॉइंट यहां से सिलेक्ट करा तो एंड पॉइंट, और यहां से स्टार्ट पॉइंट किया तो ये एंड पॉइंट, ठीक है? तो ये जितने भी पैरामीटर हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गई, कोडल लेंथ हो गई, सेंटर पॉइंट हो गया, स्टार्ट पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर क्या होती है? ये आर्क के पैरामीटर हैं। अगर आप इसमें से कोई भी तीन वैल्यू दोगे ना, स्टार्ट पॉइंट की, एंड पॉइंट की और सेंटर की, या फिर एंड पॉइंट की, स्टार्ट पॉइंट की, सेंटर की, या फिर कोडल लेंथ दोगे, स्टार्ट पॉइंट सेंटर दोगे या स्टार्ट पॉइंट दोगे, तो कोई भी अगर आप तीन वेरियस पैरामीटर अगर आप दोगे आर्क में, तो आप आर्क क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हम जाते हैं आर्क कमांड पे। तो आर्क कमांड बेसिकली कितने टाइप्स में है? 11 टाइप्स में, ठीक है? तो यहाँ पे हम जाते हैं ऑटोकैड में। आर्क कमांड जो है वो कौन सी कमांड है आपकी? ड्रॉ टूल, देख लो, ड्रॉ मेन्यू में गया, जब आप जाओगे तो देयर आर 11 टाइप्स ऑफ 11 ऑप्शंस आर देयर, ठीक है? यहाँ पे आप जाओगे ड्रॉ पैनल में, ये देखो, ठीक है, आर्क कमांड,
आर्क कमांड की जो कमांड है वो है ए एंटर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली पैनल बोर्ड पे जाते हैं। पैनल बोर्ड पे गए तो थ्री पॉइंट मेथड देखिए। थ्री पॉइंट मेथड क्या है आपका? थ्री पॉइंट पे जो मैंने क्लिक किया, कोई भी तीन पॉइंट आप रैंडमली सिलेक्ट कर लो, वन ये एंड एंड। फिर से देखो आप एक बार थ्री पॉइंट पे, ये और ये। मैंने क्या बताया था? स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंड पॉइंट। अगर आप इस डायरेक्शन में करोगे तो स्टार्ट पॉइंट यहां से, अगर आप नीचे माइनस वाली डायरेक्शन में करोगे तब आप यहां से स्टार्ट पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट एंड पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस में देखो, जैसे मान लो आपने कोई भी एक लाइन सिलेक्ट की है, हम कोई भी एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक मैंने ये लाइन ली है। इसके बाद क्या होगा, जब आप आर्क पे जाओगे ना तो कंटिन्यूस पे जाओगे, कंटिन्यूस ऑप्शन। ये देखिए, जो भी आपकी कोई भी लाइन होगी, कोई भी टूल होगा, जहां पे वो एंड होगा, जो सबसे लास्ट टूल होगा, जैसे लाइन कमांड सबसे लास्ट टूल थी, तो जब आप आर्क ऑप्शन के कंटिन्यू ऑप्शन पे जाओगे ना तो वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगी आर्क कमांड। ठीक है, ओके, तो कंटिन्यू और थ्री पॉइंट का मतलब मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसमें ये जो वेरियस इसके नाइन टूल्स है ना, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ। लेंथ क्या हो गई आपकी? कोडल लेंथ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके आइकन से देखो। ठीक है, फिर क्या है? स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट एंड रेडियस, सेंटर। ये देखो, ये जो है ना फर्स्ट और थर्ड वाला, फर्स्ट थ्री और लास्ट थर्ड थ्री पॉइंट देखिए, ये क्या है? अपोजिट है। पहले क्या है? स्टार्ट सेंटर एंड, फिर क्या है? सेंटर स्टार्ट एंड, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इनका आप यूज डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, फर्स्टली आप सिलेक्ट करोगे, इसमें पूछा स्पेसिफाई द आर्क, कोई भी पॉइंट, ये एक भी कोई पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया। सेंटर पॉइंट क्या रहेगा? सेंटर पॉइंट सपोज ये रहेगा। अब यहां से आप डायरेक्टली आर्क, ठीक है। फिर आप जाओगे एंगल पे, ठीक है, पहले क्या बोला स्टार्ट पॉइंट ये है, फिर सेंटर पॉइंट क्या रहेगा आपका? सेंटर पॉइंट सपोज आपका ये रहेगा, ठीक है, देन एंगल क्या है? 90 डिग्री, या जिस पे भी आप देना चाहते हो। ठीक है, तो ये सिक्स टाइप्स के, नाइन टाइप हैं आपके, आप कोई सा भी इसमें यूज कर सकते हो। स्टार्ट एंगल डायरेक्शन हो गया, स्टार्ट एंड एंगल डायरेक्शन हो गई। तो सबसे पहले क्या है? स्टार्ट डायरेक्शन, फिर क्या है? एंड पॉइंट डायरेक्शन। अब इंक्लूड एंगल, एंगल क्या रहेगी? तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्रेस करोगे, अब आपकी एंगल क्या रहेगी? सपोज आपकी एंगल 60 डिग्री, एंटर। वेट अ मिनट, हम दोबारा ओपन कर लेते हैं।